Hey guys, welcome back to the channel। और आज की कहानी की शुरुआत हो रही है एक और नई जगह से। आज हम लोग आ गए हैं इंडियन ग्रिल रूम और यहाँ ट्राई करते हैं इनका बफे। स्टार्टर्स में हमें सर्व होता है ग्रिल पोटैटोज, वेज फुलर्टी, उसके साथ पनीर टिक्का और उसके साथ सब होता है ग्रिल्ड पाइनएप्पल और साथ में सर्व होता है सोया चाप। और एक यूनिक चीज की सर्व होती है जो कि है ये दही कबाब जो कि व्हाइट कलर में मिलते हैं यहाँ पर। और कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक में हमने ली आम पन्ना मोहितो और जो कि ऐसा दिखता है। अब स्टार्ट करो हम हमारा स्टार्टर और सबसे पहले लेते हैं हमारा फेवरेट पनीर टिक्का जो कि कुछ ऐसा दिखता है। इसको लेते हैं हम ग्रीन चटनी के साथ और ये कुछ ऐसा दिखता है। अब इसको टेस्ट करते हैं, आपको बताते टेस्ट करते हैं। भाई साहब, खाने के बाद जो ग्रिल्ड पन का पनीर टिक्का का मज़ा आया ना, अलग ही लेवल है, मज़ा आ जाए। उसके साथ हमने ट्राई किया पोटैटोज जो कि कुछ ऐसे दिखते हैं और इसको टेस्ट करते हैं ग्रीन चटनी के साथ। मज़ेदार है यार, मज़ा आ गया। और यहाँ का सिस्टम कुछ अलग ही है। अगर आपने देखा होगा बहुत जगह आपको ग्रिल लगा के दे दिया जाता है, उसमें से आप ले सकते हो जितना चाहो, लेकिन यहाँ पर ऑन डिमांड है। आप शेफ को बोलो कि मुझे ये चाहिए, वो वहाँ पर आपके लिए डिश बनाएगा और आपके टेबल पे सर्व कर देगा जो कि गरम गरम आके जो आपके मुंह में जाता है ना, उसका तो मज़ा ही कुछ और होता है। उसके बाद ट्राई करते हैं यहाँ की सोया चाप जो कि कुछ ऐसी दिखती है। और खाने के बाद जो मज़ा आया ना इसमें, जो चटकारापन एक अचारी वाला फ्लेवर होता है ना सोया का, वो ही है बिल्कुल। उसके बाद हम ट्राई करते हैं यहाँ का पाइनएप्पल ग्रिल्ड और जो कि ऐसा दिख रहा है और उसको ट्राई करते हैं टेस्ट। भाई साहब, एक नंबर। जो कोरिएंडर के साथ पाइनएप्पल का फ्लेवर आया ना, मज़ेदार। और मैं ये कह सकता हूँ मैंने इतने बफे ट्राई किए, ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ जो कि वाइट कबाब, ये दही कबाब वाइट में पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। और टेस्ट में यार मज़ेदार, यार ये तो वन ऑफ द बेस्ट डिश खाई है अभी तक में। और इसके अंदर से फीलिंग देखो आप, पूरी दही की मिलेगी आपको। इसको खाने के बाद जो मज़ा है ना, एक नंबर। उसके बाद ट्राई करते हैं यहाँ की डिमसम और इसका कुछ डिज़ाइन देखेगा इस, मतलब पूरे शेफ ने पूरा ध्यान रखा है इसे डिज़ाइन और आपको अच्छे से बनाने के। अब इसको टेस्ट करते हैं हम रेड चटनी के साथ और खाने में यार जो फिलिंग का जो चटकारा है ना, मस्त मज़ा आ जाए। और इसकी फिलिंग देखिए, पनीर आपको पूरे वेजीज की फिलिंग्स मिल जाएगी, पूरे भर भर के डाली आप लोगों के लिए, तब मज़ा आ जाएगा। उसके बाद हम ट्राई करते हैं हमारी कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक और यार ये तो मज़ेदार थी यार, मतलब इसमें यहाँ पर बहुत सारे फ्लेवर्स मिलते हैं, आप चूज़ कर सकते हो, बट मेरे को तो यही फेवरेट लगा, अगर जाओ तो ज़रूर ट्राई करना। उसके बाद ट्राई करते हैं ये वेज गुलाटी और इसको टेस्ट करते हैं और ग्रीन चटनी के साथ हम इसको लेंगे और कुछ ऐसा दिखता है और खाते हैं। मतलब जो मेनली होता है ना, बेसन और सोया को कॉम्बिनेशन मिलाया जाए, ये वही है। और बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट है ये। और आपको मेन कोर्स में मिलता है सबसे पहले वाइट सॉस पास्ता और उसके साथ मिलता है रेड सॉस पास्ता जिसमें ऑलिव्स की तो भरमार भरी हुई है। साइड में हमारे लिए देखो ये तैयार हो रही है खीर, मतलब जो खुशबू आ रही है ना यहाँ पर केसर की, मज़ेदार, मतलब आप रुक नहीं सकते बस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे मिलता है हमें हॉट सूप, उसके साथ मिलती है नूडल्स, कहते हमें मिलता है वेज इंचेलाडस, उसके साथ देखिए यार ये कितना टेम्पटिंग सा, मैं रुक नहीं पा रहा। बाद मिलता है आलू कैप्सिकम की और ये हरा भरा कोफ्ता, उसके बाद है मटर काजू मखानी की सब्जी, उसके साथ मिल जाती है हमें दाल मखनी और उसके साथ मेरी फेवरेट कढ़ाई पनीर की सब्जी जो कि बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है गाइस। उसके बाद हमें मिलता है सोया टिक्का बिरयानी, ये कुछ यूनिक है। उसके बाद हम पहुँचते हैं हमारे सैलेड सेक्शन। बाद हम पहुंचते हैं मेरे फेवरेट सेक्शन जो कि है डेजर्ट सेक्शन, जहां पर मिलते हैं आपको काले वाले गुलाब जामुन और ये मूंग दाल का हलवा जो कि ड्राई फ्रूट्स से बिछा हुआ है एक चादर की तरह। उसके साथ हमें मिल जाती है
केसर वाली खीर जो कि बहुत ही यूनिक लग रही। उसके बाद है ये लाइव काउंटर जहाँ आपका पनीर टिक्का सोया चाप सब लगा, और यहाँ पर आप शेफ से बात करके अगर आपको कुछ टेस्टिंग में कुछ चेंज कराना वो भी करा सकते हैं आप। और सबसे पहले हम ट्राई करते हैं हमारा वाइट पास्ता जो कि वेजीज से भरा हुआ है। और गाइस को टेस्ट करते हैं, ओ जो वाइट चीज़ का जो सॉस का फ्लेवर आ रहा है ना गाइस, और ब्रोकली के साथ जो मज़ा आ रहा है यार, मज़ा। कैप्सिकम ब्रोकली का फ्लेवर तो आपको पता ही कैसा होता है, और ब्रोकली तो इसमें भर भर के डली हुई। उसके बाद हम ट्राई करते हैं रेड पास्ता जो कि कुछ ऐसा दिखता है गाइस, उसको टेस्ट करते हैं। जो रेड पास्ता के साथ जो ऑलिव का फ्लेवर है ना वो थोड़ा सा यूनिक है, लेकिन अगर मैं टेस्ट वाइज करूँ तो मुझे तो वाइट पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद आया यहाँ का। उसके बाद हम ट्राई करते हैं यहाँ का वेज इंचेलाडस जो कि कुछ ऐसा दिखता है गाइस, उसको टेस्ट करते हैं। खाने में तो ये मुझे है ना पूरे लासेंगा होता है ना उसी की चीज़ की याद दिला रहा है, वो क्रीमी फ्लेवर और वही सब पूरे वही टेस्ट है। उसके बाद यहाँ का ट्राई करते हैं ये सूप। सूप में आप देख सकते हो बेबी कॉर्न और जो उसकी स्टफिंग्स है ना बहुत ही सही है, उसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट में लाजवाब। उसके साथ ट्राई करते हैं हम ये नूडल्स, और नूडल्स खाने के बाद तो मुझे पूरी हक्का नूडल्स की याद आ गई, मज़ेदार यार। और आपको पता है हम कॉम्बिनेशन के कितने बड़े फैन हैं, हमने डुबा दी नूडल्स सूप में और टेस्ट करते हैं। फ्लेवर अच्छे आ रहे हैं। उसके बाद ट्राई करते हैं हम नान। नान को लेते हैं हमारी फेवरेट डिश के जो कि है मटर काजू मक्खनी की सब्जी जो कि कुछ ऐसी दिखती है गाइस। खाने के बाद तो मज़ा आ गया, जो कि अगर मीठी सब्जी के फैन हो ना तो ये तो आपको जन्नत की याद दिला देगी गाइस, और की जो स्टफिंग्स है ना मज़ेदार। उसके बाद ट्राई करते हैं हम मलाई कोफ्ता जो कि कुछ ऐसा दिखता है, और टेस्ट में ट्रेडिशनल आपको मलाई कोफ्ता पालक की जो होती सब्जी है ना उसकी याद दिलाता है। उसके साथ हम ट्राई करते हैं आलू कैप्सिकम की सब्जी, और जो उसका क्रिस्पीपन था ना कैप्सिकम और आलू का मज़ेदार, अच्छा यूनिक फ्लेवर दे रहा था। उसके बाद हमारे ट्राई करते हैं हमारा फेवरेट कढ़ाई पनीर, और उसकी जो टेस्ट में ना भाई साहब इसे कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट कढ़ाई पनीर, और उसकी आप ग्रेवी देखेगा इस मतलब जो होता है ना मेन खेल कढ़ाई पनीर उसका ग्रेवी का होता है। उसके बाद हम ट्राई करते हैं यहाँ की दाल मखनी, और दाल मखनी की बात करूँ तो ये मुझे ऑर्डिनरी दाल मखनी लगी, इतनी कोई ख़ास नहीं थी। उसके बाद हम ट्राई करते हैं हमारा फेवरेट गुलाब जामुन जो कि ऐसा दिखता है, और टेस्ट में ये भी ठीक था, बट एक वो होता है ना ड्राई फ्रूट्स की थोड़ी सी कमी जो चुरंजी होती वो एक आपको इनहेंस फ्लेवर देती है वो उसकी कमी लगी। और उसके बाद हम ट्राई करते हैं यहाँ का मूंग दाल हलवा जो कि ऐसा दिखता है, और टेस्ट में गाइस ये वन ऑफ द बेस्ट मूंग दाल हलवा कह सकता हूँ, ड्राई फ्रूट्स तो भर भर के डले हुए हैं और मज़ा आ जाए यार। उसके बाद हमने ट्राई किया यहाँ की खीर जो कि कुछ ऐसी दिखती है गाइस, खीर तो यार मज़ेदार, जितनी जो खुशबू आ रही थी ना पूरा उसको कॉम्प्लीमेंट करी। उसके बाद हम ट्राई करते हैं यहाँ का पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा तो कुछ ऐसा दिखता है उसको खाने के बाद, तो गाइस यहाँ का पिज़्ज़ा ठीक था, अच्छा था, मज़ेदार, लेकिन आपको हर जगह मिलेगा, हर बफे में ही मिलेगा। उसके बाद हम ट्राई करते हैं यहाँ की सोया टिक्का बिरयानी कुछ ऐसी दिखती, और खाने में गाइस ये तो थी ज़बरदस्त। तो गाइस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो जाते जाते वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों फैमिली को सबको बता दो ये जगह, और बफे में तो आपको मज़ा आ जाए, और इतनी वैरायटीज है ना इनका टेस्ट है लाजवाब। जल्दी से शेयर कर दो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ, उनको भी मज़ा आ जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। गिर गया मेरे से, इग्नोर मारे।